हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। नाथ ये देखिए, सर्वप्रथम भार में वृद्धि और अब खड़े भी होने लगे, वो भी अपने आप बिना किसी की सहायता के। केवल 5 दिन में इतना विकास, एक ओर मुझे प्रसन्नता हो रही है तो दूसरी ओर चिंता। चिंता की तो कोई बात नहीं, तो हमारा पुत्र सच में। कुछ मत कहिए, माता पिता की भी दृष्टि लग जाती है। विलक्षण है, क्यों ना हो विकास ऐसा, पुत्र किसका है। अब आप समझे मैं सदा इसे केसरी नंदन क्यों कहती हूँ। मेरा तो है ही, दीन वत्सल भगवान भोलेनाथ शंकर का भी पुत्र है, उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। हे भोले बाबा, अपने पुत्र पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आज तो मुंह मीठा करने के दो दो कारण हैं। दो दो? एक तो आंचने का अपने पैरों पर खड़ा होना, दूसरा ये अद्भुत गदा प्राप्त होना। सुना था कि पुरुष कभी बड़े नहीं होते, सदा बालक बने रहते। हाथ साक्षात देख भी लिया। इस मरकट तक पहुंचने का यही एक सुरक्षित मार्ग है। गदा चाहिए, पक्के योद्धा के लक्षण हैं। किंतु अभी आप छोटे हो युवराज, थोड़े बड़े हो जाओ फिर जितने कहोगे उतने गदा ला देंगे। अच्छा, ये गदा आप कहोगे तो ये गदा भी आपको दे देंगे, किंतु उससे पहले आपको हमारी तरह बलशाली होना होगा, व्यायाम करके खा पी के। खाने से याद आया, हमें बड़ी प्रबल भूख लगी है, हम अभी आते हैं। हाँ,
जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। जय राम भक्त हनुमान, 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 जय राम भक्त हनुमान। निश्चल प्रेम की वो मुस्कान दिए सुग्रीव को बाल हनुमान, भगत भगत को गया जान, बैर भाव भया अंतर धान। बाल रूप के हनुमत देवा फिर सचिव रूप में करेंगे सेवा, मुक्ति दिलाए जन्म मरण से, सुग्रीव मिलाए श्री राम चरण से। हनुमान और सुग्रीव की ये प्रथम भेंट बड़ी ही विचित्र रही। वाली लाया तो था उन्हें हनुमान लला को मारने के लिए, किंतु हनुमान के दिव्य आकर्षण से ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ क्षण के लिए वाली द्वारा भरे हुए सारे द्वेषों से सुग्रीव मुक्त हो गए। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। सुग्रीव को अपने षड्यंत्र में मिलाने के लिए वाली को कितना कपट और धूर्तता करनी पड़ी, और हनुमान लला ने उसी सुग्रीव को एक मोहिनी मुस्कान से ही अपने निर्मल प्रेम के वश में कर लिया। उठाकर मूर्ति की तरह क्या खड़े हो, काम हो गया चलो। यह अमोघ गदा है कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं। क्या कर रहे हो भैया, चलो। अरे ठहर तो।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानम वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वते। पागल हो रही है। अरे वानर तो वानर होते हैं, उनका स्वभाव ही वानर का होता है। हाँ प्राणवल्लभ, ये बताइए कि रावण तो बड़ा ही पराक्रमी था, उससे तो देवराज इंद्र भी डरते थे। तो रावण के नाश में सहायता के लिए आपने वानरों का चुनाव ही क्यों किया प्रभु? रावण के अंत के लिए वानरों का चुनाव मैंने नहीं, स्वयं रावण ने ही किया था। स्वयं रावण ने? स्वयं रावण ने? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाने के पश्चात दुर्बुद्धि रावण स्वयं को अजय समझने लगा और राक्षस राज की स्थापना के लिए सर्वप्रथम उसने राजधानी के रूप में लंका नगरी का चुनाव किया, जो रावण के सौतेले भाई कुबेर के अधिकार में थी। उसे निकाल करके दशानन ने स्वर्ण नगरी लंका पर
अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर पापी रावण ने धनेश कुबेर को पराजित कर उसका दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। दुष्ट रावण अपनी विजय का प्रदर्शन करने के लिए संसार भर में घूमने लगा कि देखो अब इस पुष्पक विमान का स्वामी मैं हूं। शक्ति ये दिव्य पुष्पक विमान भी अब मेरी इच्छा का दास है जो आपके प्रकाश के मार्ग को रोक कर खड़ा है और हमारे पीछे पूरा पृथ्वी लोक गहरे अंधकार में डूब चुका है। यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। आप अपनी शक्ति लगाइए। मैं अपनी शक्ति लगाता हूं। इस उद्दंड अहंकारी से क्या उलझना अरुण? इसका ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई धर्म। हमें स्वयं प्रकाशित होकर इस पूरे जग को प्रकाशित करना है। चलो अरुण। सारे देवता दशानंद की उपलब्धि से जलते हैं। एक दिन इन सबको मेरी